नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक कमाल का ट्रिक। दोस्तों यदि आप Facebook में अपने किसी भी फ्रेंड को अनफ्रेंड कर दिया है और आप चाह रहे हैं कि उस फ्रेंड को हम अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लें, तो यही इस वीडियो में बताऊँगा कि अपने अनफ्रेंड किए हुए फ्रेंड को कैसे फिर से फ्रेंड लिस्ट में ऐड करें। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिए। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब के आपके पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों फेसबुक में अनफ्रेंड को फिर से फ्रेंड बनाने के लिए ओपन करते हैं फेसबुक ऐप्स को। दोस्तों अगर आपका फेसबुक ऐप्स अपडेटेड नहीं है तो इसे अपडेट कर लीजिए प्ले स्टोर में जाके, और इसके बाद आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे इस तीन लाइन पे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तीन लाइन बना हुआ है, तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। तीन लाइन पे क्लिक कर देने के बाद स्क्रोल डाउन करके नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन होके एक सेटिंग्स का ऑप्शन हमें मिलता है, यहाँ पे सेटिंग्स लिखा हुआ है तो क्लिक करना होगा आपको यहाँ पे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे क्लिक कर देने के बाद फिर से स्क्रोल डाउन करके नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एक्टिविटी लॉग, यहाँ पे एक्टिविटी लॉग पे आपको क्लिक करना होगा। अब एक्टिविटी लॉग पे क्लिक कर देने के बाद आपको क्लिक करना होगा फिल्टर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है फिल्टर्स, तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। फिल्टर्स पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा कैटेगरीज पे। कैटेगरीज पे आ जाने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे कैटेगरीज मिल जाते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा योर कनेक्शंस, यहाँ पे लिखा हुआ है योर कनेक्शंस, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा रिमूव फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा रिमूव फ्रेंड्स। अब दोस्तों यहाँ पे आप जितने भी फ्रेंड को अनफ्रेंड किए हैं उन सभी का यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं 28 जुलाई को यहाँ पे मैं सेतु वर्मा को रिमूव किए हैं अपने फ्रेंड लिस्ट से, और इसके बाद 23 जुलाई को यहाँ पे मैं 4 फ्रेंड को अनफ्रेंड किए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें जितने भी फ्रेंड को अनफ्रेंड किए रहते हैं उन सभी का यहाँ पे हमें डिटेल मिल जाता है। तो दोस्तों इनमें से कुछ ऐसे फ्रेंड हैं जिन्हें हम फिर से फ्रेंड बनाना चाहते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब के आपके पैसे नहीं कटते हैं, सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलते हैं, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं सेतु वर्मा को फिर से अपने फ्रेंड लिस्ट में शामिल करना चाहता हूँ, अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सेतु वर्मा को ऐड करने के लिए या फिर उसी तरह और भी फ्रेंड को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा अर्काइव पे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अर्काइव लिखा हुआ है, तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ से अर्काइव पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखलाई दे रहा होगा ऐड फ्रेंड का, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा ऐड फ्रेंड पे। अब दोस्तों यहाँ से ऐड फ्रेंड पे क्लिक कर देने से ये फ्रेंड हमारे फ्रेंड लिस्ट में फिर से ऐड हो जाता है। इसी तरह आप चाहें तो और भी फ्रेंड को यहाँ से आप अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप बड़े आसानी से अपने फेसबुक के अनफ्रेंड को फिर से फ्रेंड बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी और आपके हेल्पफुल होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेके आते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।